लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे मंगलवार को घोषित हुए, जिसमें भाजपा सांसद प्रत्याशी मन्नालाल रावत की 2,61,608 वोटों से ऐतिहासिक जीत पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भाजपा की जीत की खुशी में गोगुंदा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोगुंदा विधायक प्रतापलाल गमेती व उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस दौरान गोगुंदा विधायक प्रतापलाल गमेती ने केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर खुशी जताते हुए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। वहीं उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने कहा कि भाजपा की यह एक ऐतिहासिक जीत है। इस जीत ने साबित कर दिया कि देश व प्रदेश की जनता ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकारा है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सियासी वजूद ही खतरे में पड़ गया है। देश की जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर नकार कर साबित कर दिया कि वे सुशासन, विकास व राष्ट्रवाद की हितैषी हैं। उन्होंने ऐतिहासिक जीत के लिए केंद्रीय शीर्ष के नेतृत्व को बधाई दी और उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में और बेहतर कर गोगुंदा पंचायत समिति, बड़गांव पंचायत समिति, सायरा पंचायत समिति व कोटड़ा पंचायत समिति में भाजपा के प्रधान काबिज होंगे। इस मौके पर पूर्व प्रधान पप्पू राणा भील, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष नारायण सिंह चदाणा, नार सिंह देवड़ा, गोगुंदा सरपंच कल्लूलाल गमेती, पंचायत समिति सदस्य दिलीप गमेती, वार्ड पंच कमलेश तेली, सुरेश सोनी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोगुंदा मनीष भोई, नांदेशमा के अशोक जोशी, मुकुल मेहता, कैलाश पालीवाल सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि सांसद मन्नालाल रावत को 7,38,286 वोट मिले तो कांग्रेस के ताराचंद मीणा को 4,76,678 वोट मिले। गोगुंदा विधानसभा में इस लोकसभा में 57,147 वोट मिले तो विधानसभा चुनाव से 9,320 वोट ज़्यादा मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे इस विधानसभा एवं लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार जो हमारे यहाँ के सभी मतदाता है और सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके यहाँ से भी विजय दिलाई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में जो भी विकास के काम है वो हम बहुत और तेज़ी से काम करेंगे। बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इससे पूरे देश के अंदर जोरदार जोश है। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और एनडीए के ऊपर देश ने तीसरी बार भरोसा जताया है। इसके लिए आप सभी देखें कि जो देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी जो नीति है, उनको आज वापस जनता ने मोहर दी है। इसी के साथ हमारे उदयपुर लोकसभा भी भारी मतों से विजय हुई है, 2,61,000 वोटों से। इसमें गोगुंदा विधानसभा भी 35,000 वोटों से बढ़त मन्नालाल जी को दी है। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं का, जनता जनार्दन का तह दिल से धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे और जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के ऊपर जो जनता का विश्वास है उसको, उस विश्वास को कायम रखेंगे और आने वाले पंचायती राज चुनाव में और इसको और हम बेहतर से बेहतर करेंगे। और जिस प्रकार से जो इस बार 35,000 की बढ़त है, हम बड़गांव पंचायत समिति हो, चाहे गोगुंदा पंचायत समिति हो, या सायरा पंचायत समिति हो, या कोटड़ा पंचायत समिति हो, चारों पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान काबिज होंगे और आने वाले समय में कांग्रेस को यहाँ से जड़ मूल से खत्म करके इसकी परमानेंट विदाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता करेगी। आप सभी का तह दिल से धन्यवाद। आज जिस प्रकार से एनडीए को बहुमत मिला है, परंतु आज आप देखो इस कांग्रेस की इतनी बुरी गत हो गई है, इन्होंने 100 सीटें भी पार नहीं की है और जिस प्रकार जनता पार्टी की 242 सीटें जीती है, कांग्रेस मात्र 100 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाई है। ये देश का एक मोदी जी के प्रति आशीर्वाद और देश का प्रेम है। आज अपन सब लोगों ने देखा, आज मैं पुनः देश के मतदाताओं का, हमारे गोगुंदा विधानसभा के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय।